व्हाट्स अप गाइस, तो अभी सेशन में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, तो मेरा टॉपिक लिखता हूं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस मास सिस्टम। अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस मास सिस्टम आप कैसे करोगे? अब मैंने पिछले सेशन में देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, जो पॉइंट मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यह था पॉइंट मास के वजह से, लेकिन अब कंटिन्यूस मास मतलब, अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल आपके देता हूँ रॉड का। जैसे एक रॉड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अब इस रॉड का मास m है, इसका लेंथ l है, तो इस रॉड के वजह से मुझे कोई भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अब ये जो रॉड है वो तो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, सो बहुत सारे पॉइंट मासेस से बना हुआ है। अब पॉइंट मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा था जी एम बाय आर स्क्वायर। अब ये इन्फाइनाइट पॉइंट मासेस के वजह से रॉड बना हुआ है, तो इसके वजह से फील्ड क्या होगा? अब ध्यान में रखो, इसके वजह से मुझे फील्ड निकालना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस में हम लोग ने देखा, हम लोग नेट फील्ड कैसे निकालते थे, हर एक मासेस के वजह से सेपरेटली ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते थे और फिर इसका नेट एडिशन करते थे, मतलब हम लोग उसको बोलते थे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी हम लोग सुपरपोजिशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मासेस इनफाइनाइट मासेस है, तो इनफाइनाइट मासेस के वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स बन रहे हैं उनको सबको मुझे ऐड करना है। अब ये एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक एज्यूम करता हूँ छोटा मास डीएम। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने एक डीएम मास एज्यूम कर लिया। अब यहाँ से इस डीएम मास के वजह से मुझे इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस लिखता हूँ। अब लेट्स से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे, इसको मैं लिखता हूँ ए, और इसका जो लेंथ है, लेट्स इस लेंथ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल। अब सपोज एक डीएम मास है, जो डीएम मास इस एंड से है कुछ एक्स डिस्टेंस पे। अब इस डीएम मास के वजह से इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? अब ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी डीई, विच इज इक्वल टू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू डीएम मास डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस ए का स्क्वायर, राइट। अब ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट पी, और जिसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे टूवर्ड्स दिस मास डीएम। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो मैं ऐसे सारे मासेस को यहाँ से यहाँ तक ऐड करूँगा। अब ये इनफाइनाइट मासेस है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट पी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट भी मुझे डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये लेट्स से जीरो है और यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम जीरो टू L। अब यहाँ पे और एक पंगा है, यहाँ पे मास dm जो है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x, तो मुझे dm को इन टर्म्स ऑफ dx लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग ने सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन, इन सब में ये सब चीज पहले ही करके रखी हुई है कि dm को इन टर्म्स ऑफ dx कैसे लिखते हैं। सिंपल वे, मास m होता है लेंथ l पे, तो ये dm मास होगा dx लेंथ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे dm की वैल्यू आ जाएगी एम डी एक्स डिवाइड बाय एल। तो यहाँ पे डीएम के जगह मैं क्या डालूंगा, एम बाय एल डी एक्स। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम जीरो टू एल, कैपिटल जी डीएम के जगह डालूंगा एम बाय एल डी एक्स, कैपिटल जी एम बाय एल डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डालूंगा जी इंटू डीएम, विच इज एम बाय एल डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब इस एम बाय एल को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मास डेंसिटी। अब सिमिलरली सपोज सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, उसका टर्म क्या था, सिग्मा, और वॉल्यूम मास डेंसिटी का टर्म क्या था, रो, राइट। ये सारे टर्म्स हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है लीनियर मास डेंसिटी, ये है सरफेस मास डेंसिटी, और ये टर्म है वॉल्यूम मास डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेट करना है मुझे, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो जी एम एल सब कॉन्स्टेंट है, तो बाहर लेके आओ जी एम एल
इंटीग्रेशन रहेगा 0 टू एल 1 बाय एक्स प्लस स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए लिमिट्स फ्रॉम 0 टू एल, और माइनस एन अंदर डालो और इसको इंटीग्रेट करो तो मेरा आंसर आएगा जी एम बाय एल इन ब्रैकेट 1 बाय ए माइनस 1 बाय एल प्लस ए, राइट। ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट किया एक कंटिन्यूस मास सिस्टम के वजह से। यहाँ पे था एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास था एम, जिसका लेंथ था एल, उसके वजह से मैंने फील्ड कैसे निकाला, इंटीग्रेशन का यूज करके। अब मैंने इंटीग्रेट किया और मेरा आंसर आ गया। ध्यान में रखो, आपने सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है और फिर आप ये सब चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको ये ईजी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर एक डेरिवेशन आप देखोगे लेकिन इस मास के जगह सिर्फ चार्ज होगा। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि ये जो टॉपिक होता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही पढ़ो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग काफ़ी डीप में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे मैंने उसी अच्छे वे में और सिंपल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, अब इसमें और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग।